हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हम लोग देखेंगे द टीचर। अब अज्ञात मात्रा अगर होता हो, यानी जो जो भी मात्रा की शुरुआत क्रियापद से होती हो, यहाँ प्लीज को अदर वर्ड्स है, तो प्लीज कीप क्वाइट, मेहरबानी करके चुप रहो, तो कीप की क्रियापद। तो क्रियापद से जब भी वाक्य की शुरुआत होती है तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब प्लीज वाक्य के भवर्ग को हमें जानना है तो ही हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब लिख पाएंगे। प्लीज यानी मेहरबानी करके सब लोग चुप रहो, ऐसा शिक्षक ने बच्चों से कहा। तो क्या कौन सा भाव है? विनती का भाव है। तो हम लोग यहाँ पे से एक की जगह क्या रखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्टेड। द टीचर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन। अब संयोजक क्या रखेंगे? वाक्य होता है, इंपरेटिव वाक्य अगर होता हो तो संयोजक टू रखना है और नकार हो तो नॉट टू। द टीचर रिक्वेस्टेड द चिल्ड्रन टू कीप क्वाइट। ये विनती वाले जो शब्द होते हैं ना, प्लीज काइंडली, ऐसे शब्दों को हम लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे शब्दों को हमें निकाल देना है। तो समझ में आ गया किस तरह से करना है। अब दूसरा सेंटेंस, द जनरल सेड टू द ऑफिसर गेट आउट राइट नाउ। जनरल ने अपने ऑफिसर से कहा कि तुम अभी यहां से निकल जाओ। तो कौन सा भाव है? आज्ञा का, ऑर्डर का भाव है। तो यहाँ पे शेड टू की जगह हम लोग कौन सा रखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब द जनरल ऑर्डर्ड द ऑफिसर। वाक्य होता है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या रखेंगे? टू। ऑर्डर द ऑफिसर टू गेट आउट, टू गेट आउट राइट नाउ। डोंट वेस्ट योर मनी, तुम अपने पैसे मत बिगाड़ो। द फादर से टू हिज सन, पिता ने अपने बच्चे से कहा कि तुम अपने पैसे मत बर्बाद कर। तो वाक्य की शुरुआत डोंट से हुई है, वेस्ट क्रियापद तो है ही, लेकिन वाक्य कैसा है? नकार भी है। तो हमें इसमें कैसे इंडायरेक्ट करना है? द फादर भाव कौन सा है? सलाह दे रहा है, पिताजी अपने लड़के को सलाह दे रहा है। तो द फादर एडवाइज्ड हिज सन, वाक्य नकार है इसलिए संयोजक क्या आएगा? नॉट टू। क्या आएगा संयोजक? नॉट टू। वाक्य होगा वो तो संयोजक टू आता है, नकार हो तो नॉट टू। नॉट टू वेस्ट योर, योर यानी सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यानी सुनने वाले के मुताबिक चेंजेस। सुनने वाला कौन है? लड़का। तो योर का क्या हो जाएगा? हिज। नॉट टू वेस्ट हिज मनी। इस तरह से डायरेक्ट में बनना है। आगे का सेंटेंस देखो, द ग्रैंड मदर सेड टू द लिटिल चाइल्ड डोंट गो नियर दैट डॉग। यानी दादी ने अपने छोटे बच्चे से कहा कि उस कुत्ते के पास नजदीक मत जाओ। तो भाव कौन सा है? कौन सा भाव है? चेतावनी देना है ना कि वो कुत्ते के पास मत जाओ, वो काट लेगा। तो यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग को क्या रखेंगे? बॉर्ड। और वाक्य कैसा है? नकार है, इसलिए संयोजक क्या रखेंगे? नॉट टू। तो यहाँ पे कैसे सेंटेंस बनेगा इंडायरेक्ट में? द ग्रैंड मदर, शेड टू की जगह क्या रखना है? बॉन्ड। द ग्रैंड मदर बॉन्ड द लिटल चाइल्ड नॉट टू गो नियर दैट डॉग। तो इस तरह से वाक्यों को इंपरेटिव वाले वाक्यों को हमें डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। आगे हम लोग दूसरे प्रकार का वाक्य सीखेंगे, यानी लेट्स वाले सेंटेंस सीखेंगे। ये सभी वाक्य आप लोगों को अपने नोटबुक में लिख लेना है। ये सब एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझ में आए इसलिए करवाए हैं। अब हम लोग लेट्स वाले वाक्य सीखेंगे।
लेट्स वाले सेंटेंस। लेट्स वाले वाक्य में पहले तो लिखो ऐसे वाक्य की रचना लेट्स या लेटेस्ट से शुरू होती है। शॉर्ट में इसे हम लोग लेट्स बोलते हैं और उसको अलग करते हैं तो यहां पे कौन सी विभक्ति आती है? ऑस, लेट्स, लेटस, ऑस ये विभक्ति है। दूसरा लिखो दोनों
दोनों थर्ड पर्सन होंगे, थर्ड पर्सन यानी ही सी और इट में से होंगे, थर्ड पर्सन होंगे तो कर्ता विभक्ति दे रखेंगे। समझ में आया?